So, a very good evening to all of you, and I welcome you to this Hall of Fame interview with Siddharth Agrawal. And he is my student, and his JEE All India rank is, IIT Advanced All India rank is 997, right, Siddharth? Yes. And for Siddharth, regarding Siddharth, Siddharth is a very humble, right? A very sharp, obviously, of course, very intelligent kid. And he is his. The most elemental thing which he has in him is his humility. So, इतना सब कुछ achieve करने के बाद भी और struggle करते समय, he kept his calm, he kept his balance, and that is how he got to IIT JEE Advanced. So, here is Siddharth. Siddharth, welcome to this Hall of Fame interview, and we can start now. So, I just want you to share what all things came to your mind. When you started for IIT JEE Advanced, कोई background है घर में बेटा? कोई engineer है? कोई पहले से IITian है? नहीं, कोई नहीं. मामा है. मामा. तो मामा is your real मामा और? My mummy's brother. Real मामा है ना? अच्छा. तो फिर तो घर में ही है ना? So you got motivated from him? Yes. Actually, he lives in USA. हाँ. मेरा फर्स्ट IIT का ये पता चला मुझे जब मैं IIT टेक फेस्ट गया था 9th स्टैंडर्ड में. IIT टेक फेस्ट इन बॉम्बे, एंड आई वाज लाइक इट वाज सो इंटरेस्टिंग. लाइक पहली बार कोई ऐसे देखा था कि कोई प्रोजेक्ट्स में ऐसे रोबोट्स भी बन सकते हैं, कोई हैकिंग कर रहा है, एंड लाइक तब से इंजीनियरिंग का ऐसे थोड़ा शौक चला था. ओके. देन आई केम टू नो अबाउट दिस IIT एग्जाम, एंड लाइक सबकी तरह उसका प्रिपरेशन किया फ्रॉम अर्ली 10th. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मतलब सब बच्चे जैसे मोटिवेट होते हैं, तुमको भी एक जगह मिली जहां से तुमने मोटिवेशन तुम्हें आ गई है ना. बहुत बढ़िया. फिर सिद्धार्थ, यू ज्वाइन सम कोचिंग? यस. है ना? तो जब कोचिंग ज्वाइन किया तुमने, अच्छा, व्हाट वाज योर रूटीन व्हेन यू स्टार्टेड? अच्छा, 10th में तुमने 9th 10th में कुछ तैयारी की, फाउंडेशन टाइप का कुछ किया? अर्ली 10th में आई ज्वाइंड या लेट 9th में. Okay. And at that time, it was very minimal. Like it was just an introduction to some concepts. So, ताकि ease out होने में into the like rigor जब होने वाला था 11th 10th 12th में, तो it was a bit easier for me क्योंकि मैं already पढ़ रहा था. Okay. Okay. और like अगर मैं suppose 10th से नहीं करता, तो जब 11th और 12th में जब COVID hit हुआ और सब घर पे पढ़ाई करने लगे, तो like मैं काफी डिस्ट्रैक्ट हो जाता अगर मैंने पहले पढ़ाई नहीं की होती ना, तो कि मुझे तो पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्लास में और फिर ध्यान क्यों देना है, वैसा हो जाता अगर मैं पढ़ता नहीं ऑलरेडी 10th से. सो आई वाज अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. सो यू डिड सम बेसिक प्रिलिमिनरी फाउंडेशन कोर्स काइंड ऑफ, राइट? यस. बहुत बढ़िया. एंड इट एक्चुअली हेल्प यू हैव ऑलरेडी टोल्ड. फिर सिद्धार्थ, जब तुम 11th में आए तो मेरे ख्याल से कोविड तब आ गया था, नहीं? It has just started. मतलब 20 मार्च में तुम कोविड वाला लॉकडाउन तुमने फेस किया. You were in 11th standard. Yes. तो जब 11th standard में तुम आए सिद्धार्थ और कोविड का लॉकडाउन हुआ, you switched to online mode of teaching, right? Right. तो what was the impact of this online teaching? See, आप तुमने already offline तुमने पहले से experience कर रखा था, कर ही रहे थे. बट ऑफलाइन से जब ऑनलाइन में शिफ्ट हुए, तो डिड इट टेक अ टोल ऑन यू? तुमको बेनिफिशियल था या तुम्हें डिस्ट्रैक्शन बहुत हुआ, क्या उसका इंपैक्ट रहा? थोड़ा टोल था, बिकॉज़ आई वाज यूज्ड टू बीइंग इन फ्रंट ऑफ द टीचर एंड यू नो आस्किंग क्वेश्चंस, राइटिंग डाउन नोट्स एंड एवरीथिंग, एंड सडनली व्हेन इट स्विच्ड टू ऑनलाइन, लाइक बोर्ड्स खत्म हुए थे, फिर ऑनलाइन में जब हुआ तो उतनी पढ़ाई की आदत कम हो गई थी, बिकॉज बोर्ड्स और उसके बीच में इंटरवल था और ब्रेक्स के मोड में था मैं, ऐसे लाइक पढ़ाई अभी तो करनी है नहीं. तो इनिशियली व्हेन द ऑनलाइन क्लासेस स्टार्टेड, आई यूज्ड टू थिंक कि रिकॉर्डिंग देख लूंगा बाद में और अभी कुछ और कर लेता हूँ, एंड ऐसे ऐसे आई केप प्रोक्रास्टिनेटिंग इट. तो इट लाइक थोड़ा फोकस कम हुआ था, सो आई विल से दैट. बट देन टुवर्ड्स लाइक मिड 11th आई वाज स्टडिंग फुल्ली ऑनलाइन, सो इट वाज कंफर्टेबल फॉर. तो ऑनलाइन में तुम्हें थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगा, एंड देन यू स्टार्टेड लाइकिंग ऑनलाइन, राइट? नॉट एज मच एज ऑफलाइन, बट कोई और मतलब ऑप्शन नहीं था. ऑप्शन नहीं.
अच्छा सिद्धार्थ, फिर आते हैं हम लोग, व्हाट वाज योर रूटीन इनिशियली, हाउ मेनी आवर्स सेल्फ स्टडी, कितने देर की होती थी? अब दिन भर तो तुम घर पे ही रहते थे, कोविड हाँ वाला टाइम था, तो उस दिन भर वाले घर में कितने घंटे तुम ऑनलाइन, मतलब कितने घंटे सेल्फ स्टडी होती थी? ओके, सो आई थिंक 6-7 घंटे की, 6 घंटे की क्लासेस होती थी मॉर्निंग में, एंड उसके बाद 4 आवर्स, 4 आवर्स का सेल्फ स्टडी इनिशियल, होता ही होता था डेली, हाँ इनिशियल, यस। बहुत बढ़िया। और फिर सिद्धार्थ, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 11th स्टैंडर्ड, व्हाट वाज, अच्छा इस पूरे एक साल में तुम्हारा कभी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हाई या लो ऐसा कुछ हुआ? हाँ मतलब मुझे जो भी टेस्ट हो रहे थे उनमें रैंक्स काफी कम आ रहे थे, जब ऑल इंस्टीट्यूट रैंक्स काफी कम आ रहे थे, सो दैट वाज अ बिट डीमोटिवेटिंग, पर इट वाज कंसिस्टेंट, लाइक फिर जैसे थोड़ा और पढ़ाई किया तो इट वाज कंसिस्टेंटली ग्रोइंग, सो अराउंड अच्छा, ये रैंक कितनी आ रही थी तुम्हारी? 300, नो 300 200, 200, 300 के बीच में। इन अ टोटल कैपेसिटी स्ट्रेंथ ऑफ दैट इंस्टीट्यूट वाज, Imagine 800 to 900. 800 लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उस समय सिद्धार्थ तुमको क्या लगा कि मतलब यू शुड गो फॉर सम काइंड ऑफ ट्यूशन या कुछ अपना करना चाहिए, ऐसा कुछ लगा या नहीं लगा उस समय? लगा, लगा 11th तक? हाँ 11th मिड में ऐसा लगा, ऐसा ऐसा लगने लगा, राइट? हाँ। एंड विच वॉज द फर्स्ट सब्जेक्ट विच यू चोज फॉर कि अब मुझे इसमें किसी हेल्प की जरूरत है? आई वॉज ओनली फिजिक्स, सिर्फ फिजिक्स का ही लिया था मैंने, क्योंकि मैथ्स में आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे मजा भी आता था मैथ्स में, एंड केमिस्ट्री केमिस्ट्री वॉज ऑल्सो फाइन। फिजिक्स में बस मुझे थोड़े मैकेनिक्स में प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो आई टुक सम ऑनलाइन क्लासेस, आई टुक ऑनलाइन क्लासेस विद टीचर, एंड वी सॉल्व सेंगेज ऑफ मैकेनिक्स। ओके, सेंगेज, सो दैट्स अ गुड गुड, वेरी गुड। फिर क्या हुआ सिद्धार्थ? फिर हम आगे बढ़ते हैं, 12th में आते हैं, मतलब 11th वॉज पीसफुल, राइट? एंड यू राइट, वेर, तुम्हारा जो भी रहा होगा उस समय का, तुम इवेंचुअली पास कर गए थे, ठीक है। देन केम 11th स्टैंड, 12th स्टैंडर्ड, इसमें क्या हुआ? हाउ डिड इट गो? ट्वेल्थ में लाइक अभी सडनली ऐसे आई वाज काउंटिंग डेज की, अरे अभी 300 दिन बचे हैं, अभी 250 डेज आर लेफ्ट, एंड इतना सब करना है, सो थोड़ा थोड़ा सा टेंशन था, पर एंड से पढ़ाई में थोड़ी ज्यादा करने लगा, बट ऑलमोस्ट सेम नहीं, लाइक सेल्फ स्टडी आई डिड 5 to 6 hours सेल्फ स्टडी एंड वॉज 5 to 6 hours, क्लासेस वेरी गुड। थोड़े कम, हाँ, क्लासेस थोड़ी कम हो गई, 5 to 6 hours की स्टडी हो गई, मतलब 12-14 घंटे तुम्हारा एंगेजमेंट हाई था डेली बेसिस पे, यस। और सेल्फ स्टडी में 5-6 घंटे, मतलब अगर मैं ओवरऑल 11 से 12 तक देखूँ तो 4 से 5 घंटा हर दिन का, ठीक हाँ है। फिर सिद्धार्थ, सी एज आई एम अवेयर, यू ऑप्टेड फॉर मैथ्स का ट्यूशन ऑल्सो, यू ऑप्टेड फॉर केमिस्ट्री का ट्यूशन ऑल्सो, यस, राइट? कोर्स में सो ये कब तुमको लगने लगा कि नाउ नाउ इट्स हाई टाइम दैट आई शुड गो फॉर सच काइंड ऑफ कोचिंग, एंड व्हाई यू वांटेड दैट नाउ? मतलब मुझे ऐसे टेस्ट, मैं जब टेस्ट दे रहा था डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, डिफरेंट पास्ट ईयर्स के, तो मेरे को पता चल रहा था ये चीज मैंने पढ़ी नहीं है, आई डिडंट इवन कम अक्रॉस दिस दिस ओके, कॉन्सेप्ट, दिस प्रॉब्लम, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो मुझे लगने लगा कि थोड़ी चीजें हैं जो विच आई डोंट इवन नो दैट आई डोंट नो, ओ तो दैट इज व्हेन आई जॉइंड आरडी सर फॉर मैथ्स, एंड ही आल्सो गिव योर रेफरेंस, सो उनके साथ मैं जो भी पेपर्स करता था डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के पास्ट इयर्स, तो उनके साथ वो डिस्कस करने लगा, वो उनमें जहाँ भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, और दैट इज हाउ टुवर्ड्स ये किस महीने की बात होगी बेटा? 12th स्टैंडर्ड वाज टुवर्ड्स द एंड, दी और एंड, 1 month before एडवांस, 1 month before मेंस। 1 month before मेंस, मेंस था जून में तुम्हारा ना, फर्स्ट मेंस जून में ही था ना, जून में ही था ना, दिस वाज टुवर्ड्स अप्रैल में होगा मेरे ख्याल से, अप्रैल में ही था ना, मीडियम अप्रैल, मिड अप्रैल, ठीक है, ठीक। और सिद्धार्थ, इतने दिन रुकने की जरूरत पड़ी? सी दिस इज वाई, सी ये जो स्विच है ना तुम्हारा,
ये काफी देखो बहुत कम समय में व्हाट यू हैव अचीव्ड, व्हाट यू हैव अचीव्ड राइट, तो ये एक्चुअली हाँ मुझे ऐसा लगता था कि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और उसमें मुझे सब आ भी रहा है, बट फिर भी सब नंबर कॉन्सेप्ट नहीं आ चलते, बट रहे। फिर भी नंबर नहीं आते। सो वेयर एम आई लैकिंग? मुझे मुझे एक्चुअली करने नहीं था ट्यूशन, क्योंकि आई थॉट मैथ्स वाज ऑलवेज माय स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, लाइक प्री आर एम ओ आर एम एस के टाइम से, कि मैथ्स से मुझे पता है। उसमें ट्यूशन, इट वाज लाइक काइंड ऑफ एन ईगो थिंग, उसमें यस मैं गलत था कि नहीं लेना चाहिए मुझे, मुझे तो आ जाना चाहिए खुद खुद के, बट नहीं हुआ वो, क्योंकि थोड़ी कॉन्सेप्ट थे जो आई थिंक बिना टीचर के मैं समझ नहीं पाता कभी। हाँ, तो डू यू एडवाइज स्टूडेंट्स कि भाई जब हेल्प चाहिए तब हेल्प ले लेना चाहिए, तुम ऐसा राइट सोचते हो है हाँ, मैं ना? भी इफ वही देर सोचती देर इज नो कंस्ट्रेंट ऑफ रिसोर्सेज देन वी शुड गो एंड आस्क फॉर हेल्प, ये चलता है ना? हूँ। यस यस वेरी गुड, सी एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर्स कि देखो तुमने अभी एक्नॉलेज किया, मेरे बिना कहे एक्नॉलेज किया ना कि आई आई टुक इट एज एन ईगो, एंड सी ऑल ऑफ अस वी डिड द सेम थिंग राइट, आई डिड द सेम थिंग व्हेन आई वाज ऑफ योर एज, ठीक है, वो अकड़ हम सबके अंदर होती है, बट इट्स गुड टू रिसीव एंड आस्क फॉर हेल्प कि भाई मुझे आई वॉन्ट हेल्प एंड आस्क, शाउट आउट देना चाहिए मुझे कि हाँ वेरी गुड। फिर सिद्धार्थ यू केम टू मी एंड इनफैक्ट वी स्टार्टेड फ्रॉम, आई थिंक वी स्टार्टेड फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड का पूरा सिलेबस राइट, वी डिड इनिशियली 12th स्टैंडर्ड एंड देन अ फ्यू टॉपिक्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड ऑल्सो, कुछ किया हम लोगों ने ऐसा, ठीक है। तो विच बुक्स इन फिजिक्स यू हैव डन? अपार्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट बुकलेट्स, सेंगेज, सम प्रॉब्लम्स ऑफ इरडोफ, फ्यू लाइक आई थिंक आई यूज टू डू 5 questions और 10 questions एवरी डे फ्रॉम इरडोफ, ओके गुड यस टुवर्ड्स द एंड। एंड आई यूज टू रीड डीसी पांडे ऑल्सो, आई स्टार्टेड रीडिंग डीसी पांडे ओनली थियरी बिकॉज सॉल्विंग क्वेश्चन वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द रिमेनिंग टाइम आई हैड, विच वुड नॉट बी फीजिबल। एंड उसके अलावा तो बस पेपर्स ही पेपर्स देता था रोज। पेपर्स तो तुमने खूब लिखे, सॉरी हाँ पेपर्स तुमने खूब लिखे हैं, हाँ ये तो ठीक है। एचसी वर्मा के बारे में नहीं बोला तुमने, एचसी वर्मा नहीं किया तुमने, हाँ सर, एचसी वर्मा तो करनी थी, मतलब वो कर कर चुका हूँ वो मैं। प्रिलिमिनरी बुक है ना? तो हाँ, एक दो चैप्टर्स उसमें छूट गए थे, वो भी टुवर्ड्स द एंड कर दिए। वेरी गुड, सो डिड इट हेल्प यू और नॉट, मतलब इनिशियली डूइंग एचसी वर्मा गेव यू अ प्लेटफॉर्म राइट ऑफ अ टू नो साउंड व्हाट है। फाउंडेशन और नॉट? हाँ, बिकॉज उससे आई थिंक सॉल्विंग एचसी वर्मा से पता चलता है कि द लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं, बिकॉज इट ग्रेजुअली कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो आई थिंक इनिशियली व्हेन आई हैव लर्नड एनी चैप्टर, द बेस्ट वे टू टेस्ट इफ आई हैव अंडरस्टूड इट इज थ्रू एचसी वर्मा। वेरी गुड वेरी गुड, सो सो दिस इज गुड। देन सिद्धार्थ व्हाट हैपेंड इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें की तुमने? केमिस्ट्री में मुझे इनऑर्गेनिक में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, लाइक आई ऐसा लग रहा था कि ये तो बस रट्टा ही है, हो ही नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑर्गेनिक में भी थोड़े ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो लाइक आई वाजंट एबल टू रैप माय हेड अराउंड इट, तो आई आल्सो टुक हेल्प फ्रॉम सुमन सर फॉर दैट, लाइक एंड मंथ में बिफोर एडवांस्ड, जस्ट आफ्टर मेंस एंडेड एक्चुअली वी डिड आवर ओके फर्स्ट। okay. ओके okay. तो ये आर प्रीति नॉर्गेनिक। सो सिद्धार्थ लेट्स थोड़ा सा आप अपने बारे में बात करते हैं अपन दोनों, सो व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर एसोसिएशन एंड हाउ डिड यू रेट दैट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 एंड बी फ्रैंक ऑन दैट राइट, इट्स नॉट लाइक आई एम आस्किंग अबाउट इट, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट यू, हाउ वाज, हाउ यू बेनिफिटेड फ्रॉम आवर एसोसिएशन? मेनली जो मैं पेपर सॉल्व कर रहा था उसमें मुझे जो भी डाउट्स आ रहे थे, लाइक हर पेपर में कुछ 8 7 8 डाउट्स तो थे ही और थोड़े रॉन्ग्स, तो वो करेक्ट कैसे करना है और कौन से कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है जो मुझे आता नहीं अब तक, या ये एडवांस्ड है तो कैसे करना है इसे सॉल्व, उसमें बेसिकली आपने काफी मदद की थी। दैट वॉज द बेस्ट पार्ट राइट, यस वो यस मतलब यू फाउंड अ डिस्कशन पार्टनर विथ यू राइट, यस सो यस वी स्टार्टेड डिस्कसिंग थिंग्स एंड काफी सारी चीजें हमने सीखी उसमें, बहुत बढ़िया। एंड व्हाट वॉज द वर्स्ट पार्ट सिद्धार्थ? फर्स्ट पार्ट तो ऐसा कुछ था नहीं, और
मतलब वी वर एबल, वही है कि ऑनलाइन क्लासेस ही हो रही थी थोड़ी हाँ ये इनिशियली ऑफलाइन ऑफलाइन की थी। हम गए, हाँ विच वॉज नाइस। बाद में पेपर डिस्कशन थोड़े के लिए हम लोग को ऑनलाइन करना पड़ा। दैट वॉज नॉट, यू डिडंट लाइक दैट, आई वुड हैव प्रेफर्ड ऑफलाइन, बट आई पेपर यू डिस्कशन के बाद आई मैनेज। कैन अंडरस्टैंड ऑनलाइन हाँ भी चलता। ठीक है सर। सो सिद्धार्थ, जब तुम पेपर देने गए, मतलब सी व्हाट वाज योर रैंक इन जेई मेंस? 1 to 1.5, 1215, एंड व्हाट वाज द परसेंटाइल? 99.87, 99.87, वेरी गुड। एंड व्हाट वाज द रिजल्ट इन बिट्स लानी, बिट्स एट? मार्क्स वर 343, रैंक तो बताते नहीं। 343 आउट ऑफ 390, राइट? यस 390 नंबर का पेपर था तो 343 आया, ठीक, बहुत बढ़िया। जेई एडवांस्ड के पहले साइकी क्या था तुम्हें? मतलब लगता था जेई एडवांस क्रैक हो जाएगा, बिकॉज सी आई आई बिलीव आई आई रिमेम्बर यू, वी वर डूइंग एआईटीएस का पेपर, ठीक हाँ है, एंड कभी स्कोर अच्छे आते थे, कभी स्कोर खराब आते थे, तो हाँ व्हाट वाज, हाउ डिड यू ओवरकम दैट चैलेंज, दोस दैट चैलेंज? तो इनिशियली ऑल्दो यू आर कंडीशनड कि इसमें नंबर खराब हो सकते हैं, पर क्या होता है, नंबर जब खराब आते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस हिट करता है, ठीक है, उसको तुम कैसे मैनेज कर रहे थे? मैनेज। सो लाइक जैसे काफी पेपर्स थे जिसमें मेरे ऑल सॉरी काफी ऐसे पास्ट ईयर पेपर्स थे जो जिसमें जब मेरे मार्क्स कम आते थे तो लाइक आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड समटाइम्स, क्योंकि ये तो पूछा गया है और अभी पूछा जा भी सकता है और इतना कम है। फिर बट आई थिंक पेपर सॉल्व करने के बाद ही, पहले मैंने पास्ट ईयर पेपर से सॉल्व किया, स्टार्ट किया, ठीक एंड है। देन हाँ फिर AITS सीरीज देना चालू किया फ्रॉम डिफरेंट हाँ इंस्टीट्यूट्स। हाँ हाँ तो जितने पेपर देता गया थोड़े में कम खराब आते थे, सो आई स्टार्टेड लाइक लर्निंग टू डील विद दैट इमोशन की अच्छा ये खराब क्या है, आई आई शुड लर्न फ्रॉम इट बट आई शुड नॉट लेट इट टेक अ टोल ऑन माय इमोशंस अगले वेरी पेपर। गुड, वेरी गुड। सो हु समवन हेल्प फ्रॉम द फ्रॉम समवन फ्रॉम द फैमिली हेल्प यू इन दैट? यस मम्मी मम्मी वाज मम्मी, अ ह्यूज हेल्प लाइक मम्मी वाज द आफ्टर रॉक बिहाइंड यू, राइट? हाँ शी स्टूड बाय यू, या शी बिलीव्ड इन यू फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ओनली, तो दैट वाज अ ग्रेट थिंग। तो मतलब नंबर तुम्हारे भी खराब है, एंड व्हाट वाज द वर्स्ट मार्क्स व्हिच यू स्कोर्ड इन दैट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज? थिंक वंस आई गॉट 50 मार्क्स इन बोथ पेपर्स, 50 55 इन बोथ पेपर्स, 105 आउट ऑफ 380 और समथिंग। हाँ, तो उस दिन लगा कि यार ये तो कुछ तो भी हो गया है, दैट हाँ वाज द वर्स्ट, दैट वाज और द वर्ड। फाइनली यू ओवरकेम दैट, ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ कि जेई एडवांस का पेपर जब तुम दे के आए, है ना? अच्छा, व्हाट व्हाट वाज द ग्लिच इन जेई एडवांस, टेल अस अबाउट दैट। उसमें एक्चुअली मेरा स्क्रीन जो था वो काफी जूम था, लॉट ऑफ पीपल तो फेल, टू यस। रीड एनी वन क्वेश्चन आई हैड टू फर्स्ट स्क्रॉल राइट देन डाउन देन बैक लेफ्ट देन डाउन, तो उसमें लाइक टोटल में 10 मिनट 10 11 मिनट वेस्ट हो गए होंगे टोटल पेपर में, जिसमें आई फील लाइक आराम से आई कुड हैव गॉटन लाइक एटलीस्ट 6 मोर मार्क्स। तो लास्ट वाला क्वेश्चन तुम तो सही करके तुम मार्क नहीं कर पाए थे, दैट वाज ऑलमोस्ट 5 मार्क्स और 7 मार्क्स, That was 4 मार्क्स। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, यस, 4 नंबर, मतलब और 200 रैंक ऊपर, टेंटेटिव। राइट राइट ठीक है, आई आई रिमेम्बर यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड कि सर ये तो कर ही सकते थे। हाँ लाइक मैं मेरे को आ गया था आंसर इसका, मैं एंटर करने वाला था और फिर टाइम खत्म टाइम खत्म, ठीक है, बट वॉट एवर हैपेंड हैपेंड फॉर गुड सिद्धार्थ, यस ओके। और जब, अच्छा चलो, तब अब जब तक रैंक प्रोजेक्शन हो रहा था, तो मैंने भी, मेरी भी तुमसे बात हुई थी, तो मैंने भी कहा था कि यार 4,000 तक कुछ आ सकता है, रिमेम्बर? तुमको क्या लग रहा था, यू आर कॉन्फिडेंट कि यू विल बी अ 3 डिजिट रैंकर? डेफिनेटली नॉट, मुझे डेफिनेटली तो यही नॉट, था कि 5,000 से ठीक। ऊपर ही आना है, कि इतना बुरा गया था लाइक आई थिंक 170 टोटल मार्क्स आए थे, तो हाँ आई वाज लाइक नहीं होगा उतना अच्छा 40। फिर, अच्छा उस समय क्या लग रहा है सिद्धार्थ, ड्रॉप लेने का मन हो रहा था या वेट एंड वॉच था, क्या लग रहा था? इट वाज जस्ट वेट एंड वॉच, एंड लाइक बिट्स में मैं जानता था कि मेरा 343 आया तो अच्छा रिजल्ट है, तो इट आराम वी से, बैंकिंग हाँ ऑन हाँ इट कि हाँ IIT तो
आईटी टॉप आईटी सीएस तो नहीं मिलने वाला है, तो लेट्स जस्ट बिट्स में डाल देते हैं ठीक ऐसा है ऐसा ठीक है सोच। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ? तो जब जब जेई का रिजल्ट आया, एडवांस का रिजल्ट आया, तब हाँ क्या हुआ? तो दैट वाज ए पार्टी टाइम। या तो मैं तो दिख रहा था कि हम लोग ने वो वेबसाइट हाँ खोली, थोड़ा हाँ लोड होने में काफी टाइम लग रहा था, तो इतनी एंग्जाइटी थी। फ्रेंड ने देखा 997, तो पापा तो एकदम लाइक ऐसे कूद कैसे खुशी से, क्या क्या लाइक वी वर एक्सपेक्टिंग लाइक अराउंड लाइक 5,500 ऐसा कुछ हाँ एक्सपेक्टेशन था, लाइक एट द सेम नेवर। इंस्टेंट आई टेक्सटेड यू। अच्छा, मुझे नहीं पता था उस दिन आईआईटी का रिजल्ट आ रहा था। आई टेक्सटेड यू हाँ और एट दैट टाइम ओनली यू यू गाइस वर वाचिंग दैट, मुझे याद हाँ है। हाँ, तो हाँ दैट वाज एन अमेजिंग फीलिंग। मतलब फिर लगा ना सिद्धार्थ की सारी मेहनत सफल हो गई, पूरी राइट 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 2 साल की तपस्या, 3 साल की तपस्या सफल हो गई, है ना? हाँ तो सिद्धार्थ, क्रेडिट किसको जाता है? फर्स्ट तो मम्मी को पापा को, क्योंकि उन्होंने मुझे लाइक एब्सोल्युटली अभी ऐसा एब्सोल्युटली ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं कोई इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ कि अभी बर्नआउट ही हो जाऊंगा। इट वॉज नेवर लाइक दैट। वी यूज टू गो टू डिफरेंट पार्क्स, अपनी बहन के साथ भी काफी नीचे खेलने जाते थे और दोस्तों के साथ। देन द वेरियस टीचर्स की जिन्होंने मुझे मदद की, लाइक हर जो क्वेश्चन जो भी डाउट थे वो सॉल्व किए आपने, आरडी सर ने, काफी अदर टीचर्स ने। सी द फर्स्ट थिंग इज, पेरेंट्स का तो क्रेडिट हमेशा रहता ही है बेटा, मतलब वो तो उन्होंने तो किया ही है। सी सिद्धार्थ, व्हाट इज द थिंग व्हिच हुक्ड यू? मतलब होता है ना, एक केप्ट द बैलेंस इनसाइड यू, हमेशा तुम मतलब बने रहे दौड़ में। व्हाट वाज द वन थिंग, इफ यू वांट टू डिफाइन इट इन वन वर्ड, योर पर्सनालिटी ट्रेट और वॉट एवर, मतलब एक चीज जो ऐसी जिसने तुम्हें कभी इधर से उधर, मतलब भाई सबका हाई लो आता है बट यू बाउंस बैक, व्हाट वाज दैट थिंग? थिंक बस एक गोल था, एम्बिशन ही था कि यस बस यस वो आई दैट वाज ऑब्वियसली द यस एम है और कुछ हाँ है, बट एम वो रखना है, हाई रखना है, बाद में कुछ भी हो इट इज बहुत सही बहुत सही। सो दैट केप्ट यू टेकिंग राइट। यस। बहुत योर एडवाइस फॉर, और योर नाउ आई शुड से, सिद्धार्थ इज कास्टिंग पर्ल्स नाउ राइट, फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, 11th स्टैंर्ड स्टूडेंट्स, हु आर एट द एंड ऑफ 11th स्टैंडर्ड, हु आर एट द एंड ऑफ 10th स्टैंडर्ड, एंड हु आर एट द एंड ऑफ 12th स्टैंडर्ड, उनके लिए तुम क्या 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 सजेशन देना चाहते हो इन वन लाइन? मतलब क्या करना चाहिए? एनी सजेशंस टू देम? एट द एंड ऑफ 12th स्टैंडर्ड तो पहले तो ये रहेगा कि पेपर सॉल्व करते वक्त कोई भी लाइक ड्यूरिंग अ पेपर कोई भी क्वेश्चन अपने ईगो पे नहीं लेना चाहिए कि अरे यार ये तो सिंपल है, ये तो आ जाना चाहिए था मुझे, अभी तक नहीं आ रहा है, और टाइम देते था। लाइक मुझे ये थोड़ा लेट पता चला, बट आई शुड नो वेन टू लीव अ क्वेश्चन फॉर अ डिफरेंट वन, क्योंकि उस पर टाइम वेस्ट करना है, लाइक हर क्वेश्चन सेम मार्क्स का है तो इस पे दूं या उस पे दूं मैटर नहीं करता। और द यंगर किड्स लाइक जो अभी 11th में है, के लिए कि ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए कि लाइक बर्नआउट ना हो जाए एट द एंड ऑफ, इतना भी पढ़ाई मत करो कि बर्नआउट हो जाए एट द एंड ऑफ दिस कि मुझे तो अभी कुछ करना ही नहीं है, लाइक अभी छोड़ देना है मुझे, बस पढ़ाई नहीं देखनी, कुछ नहीं करना, लाइक यू हैव टू बी मॉडरेट, मॉडरेट। या मतलब 4 घंटा सेल्फ स्टडी इज अ डिसेंट थिंग टू डू। मैं तो अपार्ट सोचा फ्रॉम 5-6 घंटे की कोचिंग है अगर, तो 4 घंटा, 4-5 आवर्स इज अ गुड ड्यूरेशन फॉर सेल्फ स्टडी राइट, इन इलेवेंथ स्टैंडर्ड इनिशियली, एंड दिस कैन बी कंसिस्टेंट टिल से 12th का फर्स्ट क्वार्टर, एंड देन वी कैन स्लॉग फॉर मोर नंबर ऑफ आवर्स बिकॉज द कोचिंग टाइम विल गो डाउन। ठीक है, दिस इज फॉर 11th स्टैंडर्ड। फॉर दोज हु आर जस्ट स्टार्टिंग, 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चे जो है, हु आर एस्पायरिंग फॉर दैट, सी यू डिड सम फाउंडेशन कोर्स, सो डूइंग अ फाउंडेशन कोर्स वॉज गुड फॉर देम राइट, नंबर वन। नंबर टू, वॉट इज द थिंग विच यू वॉन्ट टू सजेस्ट देम? उनके लिए तो
सिंपली एडवाइस है। हाँ फाउंडेशन करना चाहिए, ये एडवाइस नहीं है? फाउंडेशन इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट। अगर लाइक उसे जैसे मैं बोर्ड्स की उतनी तैयारी कर नहीं रहा था उस टाइम पे, ऑल्दो हाँ टेंथ का काफी है था कि बोर्ड्स आने वाले बोर्ड्स आने वाले, मैं उस टाइम काफी रिलैक्स था, सो आई वाज एबल टू लाइक जगल बिटवीन लिटिल आईआईटी कोचिंग एंड एंड बोर्ड्स। बट मुझे पता है लाइक काफी स्टूडेंट्स का गोल ही रहता है टेंथ स्टैंडर्ड में कि बस बोर्ड्स खत्म हो जाए फिर तो सब सेट है, लाइक बोर्ड्स ही बोर्ड्स। सो दोनों के बीच में जगल कर सकते हो तो हाँ आई थिंक इट इज बेटर इफ यू स्टार्ट फ्रॉम देयर। ओके, सो व्हाट वाज योर परसेंटेज इन 10th स्टैंडर्ड? मेरा 99.7 था। और 12th में कितना 12th में तो 90%, 12th में तो ध्यान नहीं दिया कॉलेज में। हाँ था? HSC था तेरा कॉलेज? हाँ ठीक, सीधा, वेरी गुड। तो वो जो 7.7.3 कहाँ चला गया सीधा? पता नहीं अभी याद नहीं है मुझे। पता नहीं। ग्रेट। सो सिद्धार्थ, ओ तब नहीं आप सॉरी इन सर, आई थिंक 90 मुझे याद नहीं आ रहा, 98.7 था कोई शायद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। वो प्लस माइनस, वो प्लस क्या करूंगा, -1% भी चलेगा, वो भी बहुत है भाई। अब मुझे ये बताओ कि 2 से 3 लाइन में सम अप करो कि करना क्या चाहिए लोगों को, मतलब व्हाट शुड बी द टेम्परामेंट, हाउ दे शुड गो अहेड, और एक्चुअली में किसको IIT की तैयारी करनी चाहिए? किसको आईआईटी की तैयारी करनी हाँ चाहिए? हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है ये सवाल कि IIT की तैयारी क्यों करनी चाहिए। ये तो बच्चे ढूंढ के रहते हैं कि अच्छे कॉलेज जाना है, अच्छा करियर चाहिए। हाँ उस बच्चे का टेम्परामेंट क्या होना चाहिए जिसको IIT की तैयारी करनी है? व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन हु वांट्स टू प्रिपेयर फॉर इट? कि लर्न टू टेक फेलियर्स क्योंकि ओके, काफी होने वाले हैं ड्यूरिंग द जर्नी। टेस्ट बहुत बढ़िया। यस, देने जाएंगे, कभी टेस्ट बहुत बुरे जाएंगे, कभी टेस्ट अच्छे भी जाएंगे, तो उसको ईगो ईगो मत बनाओ अपना। उसको उसको हवे मत आओ, मतलब हाँ हाँ हवे में नहीं आना है। फिर राइट। और कॉन्फिडेंट रहोगे तो और पढ़ाई करोगे तो आई थिंक हो निकल जाएगा। जाता है, हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सिद्धार्थ, कॉम्प्लेसेंसी आई जब बिट्स का पेपर में 343 मार्क्स आया और आउट ऑफ 390 तो यार अब तो अपन ने फोड़ दिया, अब अपन को IIT में थोड़ा IIT की तैयारी में थोड़ा ब्रेक लगा? हाँ नहीं ब्रेक तो नहीं लगा बट काफी खुशी हुई क्योंकि बिट्स तो जैसे ही पेपर खत्म होता है रिजल्ट दिखा तुरंत आ देते जाता है। हाँ, हैं, तो वो मुझे पता नहीं बहुत अच्छा लगता है बिट्स का कि टाइम वेस्ट नहीं करता है वो कि कैसा गया तुरंत किधर। औकात बता देता है। हाँ। वेरी तो एंड मैंने ऐसा सोच के गया था कि 330 के ऊपर आ जाते हैं तो इट इज वेरी गुड, गुड, इट इज यस वेरी यस। गुड। तो और 343 आया तो लाइक सो दैट वाज अ ग्रेट जर्नी सिद्धार्थ, ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगा कि ये तुम जिस तरीके से तुमने इसको कूलली हैंडल किया है ना पूरे सिचुएशन को, एंड सी आधा घंटा बीत गया बट एफर्टलेसली तुमने सब समझा दिया है ना, ऑल द पॉइंट्स यू हैव कवर्ड। ठीक है, कैन आई हैव योर मॉम प्लीज, मतलब हाँ मैम को शायद बुला दोगे? और तुम साथ में बैठना है ना? हाँ गुड मैम नमस्कार, इवनिंग गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहुत बढ़िया। तो इसने कहा कि सारा क्रेडिट जाता है मेरी मम्मी और पापा को, तो देखिए हम लोगों ने भी देखा है ना, मैंने बस वो सांसों का हिसाब छोड़ के बाकी सब आपने रख रखा था इसका, तो हाउ डिड यू मैनेज हिम? सर आई एम अ फुल टाइम मॉम सो आई वाज ऑल द टाइम एट होम, सो आई वुड मतलब इसको कुछ भी खाना पीना। एक्चुअली वी लिव लाइक अ जॉइंट फैमिली, माय इन-लॉज लिव क्लोज बाय और मेरे पेरेंट्स भी, अच्छा तो अच्छा कुछ चाहिए था तो एक टीम रेडी थी। मतलब नानी के घर से कभी कुछ आ जाता, सिद्धार्थ को क्या पसंद है, या दादी के घर से आ जाता, तो वो चिंता वाली वो यू नो छोटी छोटी चीजों में इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं थी बिकॉज नहीं, सबका सपोर्ट था। ग्रेट, सो आई थिंक द हाउस एटमोस्फियर रियली हेल्प, बहुत, बहुत या योगदान था यस मेरे यस 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 दोनों सेट ऑफ पेरेंट्स का। एंड
एंड बिकॉज आई वॉज वॉचिंग, आई यूज टू वॉच हिम, अच्छा इसका मूड ठीक नहीं है, तो आई वुड देन गिव अ पेप अप टॉक, बिकॉज ज्यादातर इस जर्नी में देर आर मोर डाउन्स देन अप्स. यस सो यस टू बी कंसिस्टेंट एट इट, लाइक इवन आई वुड गेट अ बिट यू नो कि अरे ये इतनी मेहनत कर रहा है, पर मार्क्स तभी इतने ट्रांसलेट नहीं होते हैं बिकॉज सारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है कभी भी एट एनी स्टेज. सो बट वी आई यूज टू थिंक द बिगेस्ट लर्निंग वॉज दैट ही इज नॉट क्विटिंग, इट्स वेरी इजी टू क्विट. एंड रिजल्ट जो भी आए, ऑनेस्टली व्हाइल वी हैव अ रैंक इन माइंड, अच्छा ये होना चाहिए होना चाहिए, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ द रैंक, इट्स लाइक द चाइल्ड लर्न्स टू वर्क हार्ड, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आगे चल के लाइफ में. सो वी हैड नेवर पुट एनी प्रेशर इन हिम. इनफैक्ट बचपन से स्कूल में इसके जो भी मार्क्स आते थे, इट्स ओके, तेरे 0 भी आएंगे प्रॉब्लम नहीं है, बट लर्न टू डील विद इट एंड सी व्हाट यू कैन डू बेटर. ग्रेट, सो वी नेवर, आई मीन आई थिंक दैट हेल्प. ग्रेट, ग्रेट। ये मतलब फंडामेंटल सब ठीक है इसके। नहीं, बहुत अच्छा है मैम। जब ये फाइनली मैम, जब ये जब अभी तैयारी कर रहा था और जब आपको लगा कि इस, जैसे अभी इसने मुझे बताया कि इनिशियली सिंस ही वाज गुड एट इट, तो मैथ्स में जैसे ये बहुत अच्छा था, तो इसको लगा कि मुझे नहीं लेना चाहिए हेल्प, और तो डिड यू काउंसिल हिम कि हेल्प लेना चाहिए या ये अपने से आया आपके पास कि मुझे हेल्प चाहिए? नहीं, मैं ऐसे बीच बीच में बोलती थी तुझे लग रहा है मुझे डिफिकल्ट है, क्योंकि कभी कभी वो लेक्चर ना रिपीट मोड में देखता रहता था, तुम बार बार देख रहे हो या तो क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट या कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो समझ ही नहीं आता था. 12 घंटे कभी कभी रात तक देखे जा रहा है, मैं सुबह देखती हूँ कि ये वही देख रहा है, फिर बाद में फिर भी देख रहा है. पर ये मुझे मैं ऐसे बार बार पूछती थी, आर यू फेसिंग अ प्रॉब्लम? नो आई एम नॉट फेसिंग. तो एंड ही वाज प्रीटी एडमेंट, मुझे नहीं चाहिए कोई भी हेल्प. सो आई सेड आई डोंट वांट टू फोर्स हिम, बिकॉज ये ना स्ट्रेस हो जाता था कि व्हाई आर यू लाइक ऑन मी, ये करो वो करो. सो आई सेड ओके आई विल टेक अ बैक सीट. एंड आई वाज डिस्कसिंग विद माय हस्बैंड, तो कि व्हेन जब ये जब तक अपने मुंह से नहीं बोलेगा कि आई नीड इट, आई डोंट वांट टू यू नो जस्ट, नहीं तो इसी बात पे झगड़ा हो जाएगा घर में. तो आई डिडंट वांट दैट एटमॉस्फेयर. आई सेड ओके इट्स, ही हैज टू गेन दैट, यू नो ही हैज टू एक्सेप्ट इट कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है एंड आई नीड बहुत हेल्प. बढ़िया, सो दैट्स व्हाई थोड़ा और भी टाइम लग गया. ही एक्नॉलेज्ड इट। सी द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस किड इज, सॉरी टू इंटरप्ट, ही एक्नॉलेज्ड इट कि मैंने, आई टुक इट ऑन माई ईगो एंड आई, दैट वॉज अ चैलेंज, दैट वॉज अ प्रॉब्लम, एंड हेल्प ले लेना चाहिए जब हमको लगे। तो दिस इज अ वेरी ग्रेट मैसेज, क्योंकि मैम बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इस झोंक में रहते हैं कि हमको सब आता है, हमें अभी कुछ नहीं कुछ। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज। तो इसको बड़े प्यार से इसको फिर टैक्टिक्स या टेक्निक्स यूज करके, कि देख तू अगर हेल्प लेगा तो तेरे नंबर 4-5 नंबर और बढ़ जाएंगे, विच इज लाइक अ क्लाइंब इन द रैंक, इरिस्पेक्टिव ऑफ यस व्हाट यस इज यू यस गेट. यस यू यस नो यू कैन बी 10,000, 20,000, 2,000, वी डोंट नो, इट्स ऑल ऑन यस द फाइनल ग्रेस ऑफ गॉड. वो तो उस दिन की बात है। यस यस सो समवेयर आई थिंक इट क्लिक, सो इट वॉज देर आए दुरुस्त आए. नहीं नहीं सही टाइम पे भगवान ने सही समय पे सही जगह पे, बट ठीक है मैम। फिर मैम अबाउट द रिजल्ट पार्ट, द डे सी, जब इसका जेई का मेंस का रिजल्ट आया, दैट वाज अ वेरी गुड रैंक, वेरी गुड रिजल्ट, तो वो तो चलिए अच्छा हो गया, बिट सर्ट का आया तो भी अच्छा हो गया, बट वो जो एक महीना था जेई एडवांस की तैयारी कर रहा था और मार्क्स घटते थे, मार्क्स बढ़ते थे, तो व्हाट वाज योर इंटरवेंशन इन दैट? मतलब आपने इंटरवीन किया कि यार ये क्यों खराब हो रहे हैं, तुमसे पूछने की कोशिश की आपने, या यू लेट हिम बी ऑन हिज ओन कि भाई तुम यू कैन हैंडल इट? नो, ही इज बेसिकली अ शाय किड, वो अगर कुछ प्रॉब्लम फेस करता है वो जल्दी से बताता नहीं है. तो बट आई थिंक बीइंग एट होम हेल्प मी ऑब्जर्व हिम. सो देन आई टोल्ड हिम दैट, अच्छा सो वेर एवर यू गॉट यू नो जो गलत हुए हैं या तुम्हें अनअटेम्प्टेड, ये दो ही होते हैं. तो देन दी वो सिद्धार्थ डैड एंड वी सेपरेटेड आउट द क्वेश्चंस जो इससे इससे छूट गए थे और जो गलत हुए, तो वो प्रिंट आउट निकाल के इसके सामने मैं रखती थी कि अब तो टीचर के साथ डिस्कस कर, यू नो सो दैट इट्स क्लैरिफाइड. तो बिकॉज दैट बंच ऑफ यू नो 7 to 10 जो भी क्वेश्चंस होते थे, बिकॉज इट वाज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही कांट से नो बिकॉज नाउ देयर इज नो एस्केप,
So I think then he started. So the आई ship वुड was. रिक्वेस्ट यू टू गिव मी सम दोज पिक्चर्स ऑफ दोज टेक्स्ट बुक्स जो आप नोटबुक्स जो आपने वो पेस्ट करके रखा है ना, तो जस्ट हाँ वो आप प्लीज वो मुझे दीजिएगा दो चार पिक्चर क्लिक करके उसके. अच्छा सी एक्चुअली पीपल शुड नो कि भाई व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंट. सी होता क्या है मैम, एज अ पेरेंट यूजली यूजली पेरेंट्स को ये लगता है कि कोचिंग में डाल दिया. अच्छा टीनेजर्स हैं तो डरते भी हैं, जैसे आपने कहा ना कि टेक्निकली इसको हैंडल करना पड़ा. तो ये अच्छा ऐसा एटीट्यूड हर टीनेजर का, मोस्टली टीनेजर्स का होता है. इफ इफ इज नॉट शाई तो भी एक वो रहता है कि यार आइस ब्रेक कैसे करोगे, और फादर से तो पिताजी लोग से तो बिल्कुल नहीं ये होता है ये वाला आइस ब्रेक. इसके फादर ने बहुत हेल्प करी वो तो नहीं, वो तो मतलब हैट्स ऑफ टू हिम जो ये उसकी उनकी बात सुनता था और उन्होंने इसको समझा लिया. हाँ तो वो वाला जो चैलेंज होता है वो आपके घर में तो हैंडल हो गया, बट बाकी घरों में नहीं होता है. बट पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है, इसलिए मुझे वो चाहिए, क्योंकि वही वो बच्चे नहीं करके देंगे. अच्छा जैसे मुझे याद है व्हेन आई द डे व्हेन आई केम टू योर हाउस, तो आपने मुझे सबसे पहले वो किताबें ला के दी कि सर ये मैंने लगा के रखा है, प्लीज ये डिस्कस कर लीजिएगा. हाँ तो दैट डे आई रियलाइज कि यार ये तो गजब है, मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल है. तो आपको याद है मैंने कहा भी ये तो मतलब हाँ इसमें टिक लगा के हम दे देते हैं कि भाई ये नहीं हुआ है, बट ये तो एक अलग ही लेवल का है कि क्वेश्चन है उसके नीचे जगह छोड़ी हुई है कि सो दैट ही कैन रिवाइज एंड ही शुड सेव टाइम ऑन दैट. नहीं बिकॉज काफी वक्त लगता है जब हाँ पेपर हाँ ऑनलाइन पेपर से यू सेपरेट आउट फिर अलग से प्रिंट आउट निकालो मतलब इट्स अ टास्क या इट्स अ टास्क, सो दैट्स व्हाई आई वांटेड दैट. सो दैट्स ग्रेट. फाइनली मैम जब रिजल्ट आया द हैप्पी डे व्हाट वाज. अनबिलीवेबल सर हाँ कोई हाँ मतलब उम्मीद मैंने ही थी तो भाई मेरी तरफ से तो यही था, आपकी मेरी जो बात हुई थी जो 4,000 5,000 के आसपास आएगा ऐसा लग रहा था जो प्रीवियस रिकॉर्ड था उसके हिसाब से. हाँ ठीक है तो अनएक्सपेक्टेड था, और जब आया तो ही टोल्ड मी कि एवरीवन वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था हम सबके लिए. थ्रिल्ड तो फाइनली जॉब वेल डन आपको लगता है कि कुछ सर कसर रह गई. नहीं कोई कसर नहीं आई थिंक वी गॉट मोर देन एक्सपेक्टेड We are सो grateful. लाइक Yes. यू नो इट वाज आवर प्रिविलेज एंड गुड फॉर्चून टू कम इन कांटेक्ट विद यू सर आदि सर सुमन सर इवन एक सर मृत्युंजय सर My grateful. शांति सर तो We are सबने grateful. सब सब टीचर्स एंड इवन एट हिज इंस्टीट्यूट सबने मतलब Each one has helped in his journey, and Yes. so I think all that and ultimately the blessings of नहीं नहीं दैट्स ग्रेट था. वो तो हमेशा ब्लेसिंग. तो मैम देखिए जो जिस तरीके का ये बच्चा है कभी भी इसको ऐसा नहीं लगता है मुझे कि ही विल ऑलवेज फाइंड गुड टीचर्स, ही विल ऑलवेज हैव गुड सपोर्ट वेर एवर ही विल गो. तो वो तो ये बाय डिफॉल्ट लेके आया है, और द वे ही इज मतलब सबसे बड़ी बात है कि सरेंडर करना, अपनी बात को रखता भी है तो मतलब इस तरीके से रखता है कि हमें बुरा नहीं लगता है. एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ए स्टूडेंट. सी वो एरोगेंस ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मतलब देर आर स्टूडेंट्स हु सीम्स टू बी एरोगेंट ऑल्सो. मतलब एज ए टीचर हमको बुरा लग सकता है कि यार ये क्या किस तरीके से पूछ रहा है. पूछने में बुराई नहीं है, तरीका. और ये तो जिस तरी जो इसकी जो जो जिस लेवल का इंटेलिजेंस लेवल है इसका, और उसके बाद सब कुछ होते हुए एक एकोमोडेटिव वे में अपनी बात को पुट करने का, मतलब ही यूज टू गिव स्पेस टू एवरी वन. मतलब मेरे साथ जो इसका डिस्कशन हुआ है तो भाई उसमें ये नहीं था कि आप सही हो गए आप गलत ही हो गए. उस अच्छा जहां पे इसको लगता था ये अपनी बात रखी इसने, और ये गिव अप नहीं करता था कभी अंटिल एंड अनलेस ही इज कन्विंस्ड यार ये छोड़ना है यहाँ पकड़ना है. तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस गेम. तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम एंड सिद्धार्थ, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर जर्नीज. ठीक है फ्रॉम हेंस सर फोर्थ. मैं एक चीज बोले शुरू प्लीज में प्लीज. मैं सुन रही थी कि आपने पूछा था कि घर में कौन है आई थिंक ही थोड़ा वो शाय हो गया तो माय ब्रदर ही इज डन फ्रॉम BHU एंड माय हाँ भाभी शी इज फ्रॉम IIT दिल्ली सो ग्रेट. अच्छा. मतलब मैं उनसे बीच में बात करती रहती थी तो इट वाज ऑल अबाउट डोंट पुट एनी प्रेशर लेट हिम डू हिज बेस्ट व्हाटएवर हाँ. आई ये थिंक एक्चुअली कहीं ना कहीं से मोटिवेशन जरूर होता है ना, मतलब मैंने ये देखा है. और जैसे मतलब आपने पहले ही बताया था मुझे बिजनेस फैमिली से हैं आप लोग, तो मुझे लगा कि ये मतलब इसका कोई ऐसा सोर्स या अचानक से कैसे हो गया. तो फिर इसने वो टेक फेस्ट बताया, और फिर बताया इसने कि मामा मेरे
आईआईटी से, तो तब देन आई रियलाइज कि हाँ ठीक है वो कहीं ना कहीं वो आता ही है। वो हमको देख के लग जाता है कि एक बार तो मुझे करना चाहिए। अच्छा वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम टू क्रैक एंड यू फील प्राउड ऑफ। एक्चुअली वो एरोगेंस आता भी है उसमें और स्वैग रहता है उसमें कि आपने क्वालिफाई किया, तो बहुत अच्छी बात है। सो इट वॉज ग्रेट सिद्धार्थ, मैम थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सिद्धार्थ टू अस, ठीक है, फॉर ट्रस्टिंग ऑन अस, राइट, कि हमने पढ़ाया हम, मतलब सी इट्स अ गुड स्टूडेंट मीट्स अ गुड टीचर, अगर ये है तभी बात बनती है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है उसका, बाकी सब चीजें तो ठीक है। सो वी आर रियली ऑब्लाइज्ड, प्लीज सर, थैंक्स टू यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।